मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। जालौन के काल्पी तहसील के ग्राम जयरामपुर में प्राचीन शिव मंदिर में अराजक तत्वों के द्वारा शिवलिंग को तोड़ा गया, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे काल्पी क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी, कोतवाली प्रभारी कांता प्रसाद ने घटना स्थल पर पहुंचकर मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही का दिया आश्वासन। क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी ने इस संबंध में पत्रकारों को बताया, अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जा रही है। ये बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर इस वक्त आप देख रहे हैं जालौन से, जहां काल्पी तहसील के ग्राम जयरामपुर में प्राचीन शिव मंदिर में अराजक तत्वों के द्वारा शिवलिंग को तोड़ा गया, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। जालौन मेट्रो संवाददाता रविकांत दुबे की। सर, थाना काल्पी के अंतर्गत जयरामपुर में जो मूर्ति टूटी है उसका क्या घटना है? आज थाना काल्पी में ग्राम जयरामपुर में मूर्ति खंडित होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही फोर्स मौके पर पहुंची और ये ज्ञात हुआ कि ये काम है, एक शराबी व्यक्ति है राजा बाबू पुत्र सीताराम, उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। रुकिए, क्या आप आज भी एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर व बैनर जैसे पुराने तरीके यूज करते हैं? अरे भाई, डिजिटल का है जमाना, फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर क्यों लगाना? अब अपनी दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर या अपने बिजनेस का इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट करवाएं और पहुंचाएं अपने आसपास के लोगों तक बड़ी आसानी से, वो भी उनके फोन की स्क्रीन पर। और हाँ, ये सस्ता और ज्यादा इफेक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉन्टेक्ट करें। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।